अंदर बेस हो रही है, तो उस समय पुरुष को तो गूंगा बन जाना चाहिए और महिला को बेरी हो जाना चाहिए। तो समझ लेना साहब, फिर तुम्हारे परिवार का संसार में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि घर के अंदर विवाद हो रहा है तो पति अपना मुख मूंज ले और महिला अपने कान मूंज ले, सारी बात जहां के ता भाई के भाई खत्म हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं बनेगा। पर साहब आज की समस्या, मैं दो कह रही हूं, तुम्हारी धर्मपत्नी चार सुना रही है, ये हो रहा है। पर साहब यदि आप उस समय गूंगे बनकर बैठ गए और आपकी अर्धांगिनी बहरी बनकर बैठ गई, तो स्वयं विधाता भी उस घर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कभी कभी कह देते ना कि वो तो विधाता की मर्जी नहीं थी। अरे विधाता की तो मर्जी होती है, पर उस मर्जी में अर्जी लगाने वाले हम होते हैं। जब एक कोई बोले तो दूसरे समझदार को अपना मुख मूंज लेना चाहिए, और यदि वह भी बोलना चालू कर दे तो उसके घर में जो उसकी अर्धांगिनी है वह चुपचाप अपने कानों को मग्न लीन कर बैठ जावे, तो समझ लेना साहब हरि हर है। आज वह आत्मदेव जिसका स्वयं परमात्मा के नित्य प्रति ध्यान रहता है, जिनकी अर्धांगिनी का नाम है धुंधली, धुंधली में अभी भी बता रहा हूं आपको, यानी आपकी बुद्धि उस समय तुम्हारी खत्म हो जाती है। सामने वाला दो कहेगा तो हम चार कहेंगे, हम भी किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया, किसी के भी घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर जब विवाद खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वह विवाद एक बड़े स्तर का रूप ले लेता है। सिर्फ समझ लो कि उस समय आप गूंगे हो जाओ, वो मेरी मैया बहरी हो जाए, तो समझ लेना किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं पड़ेगा। ये बात अभी कुछ दिन पहले सत्संग में किन्हीं संतों ने कही थी और मैंने भी वहीं से नोट किया है इस बात को कि लाखों की बात छोटे शब्दों में व्याख्या कर दी कि यदि हम गूंगे बन जाएं और हमारे साथ रहने वाली बहरी बन जाए तो समझ लेना घर में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, शांतिपूर्वक कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। आज वह तुंग भद्रा में हजारों लोग अपने घर का अलग अलग, ये कोना मेरा, ये कोना मेरा, ये कोना मेरा, उस तुंग भद्रा में अलग अलग बढ़ते चले जा रहे हैं। कोशिश करना कि वह तुंग भद्रा से हम अलग ना हो, उसी में रहें, एक होकर रहे। बताइए नदी यहां बह रही है और बहते बहते इधर उधर कभी नहीं भटकेगी, भटकेगी कब, जब वह अपना एक आकर्षित रूप रख लेगी। और आकर्षित रूप कब रखती है तुम्हें पता है, तो इससे बढ़िया यही है कि उस समय हम जिस नदी में बैठे हैं या तो हम गूंगे हो जाए या फिर सामने जो हमारे बेटी हैं, हमारी मैया या हमारी बहन, हमारी दादी माँ, जो भी है वो बह रही है, तो समझ लेना फिर कोई अलग नहीं कर सकता।